हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस। आज हमारा कंपटीशन एक्ट का ये है थर्ड पार्ट। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम मार्केट डिस्कस करेंगे कि मार्केट कंपटीशन एक्ट में किस तरह की होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्पिटिशन एक्ट है उसमें ये देखा जाता है कि जो मार्केट है उसमें कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट तो नहीं हो रहे हैं या फिर कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है अपनी डोमिनेंट पोजीशन का, यानी कि मोनोपोली तो क्रिएट नहीं कर रहा है, या फिर कोई अननेसेसरी इलीगल कार्टल तो नहीं बनाए जा रहे हैं, या फिर कॉम्बिनेशंस तो नहीं कर रही हैं कंपनी आपस में मिल करके। तो इन सबको कंसिडर करने के लिए अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करना नेसेसरी होता है कि कौन सा मार्केट इफेक्ट हो रहा है, और वो डिटरमाइन कौन करता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जब ये देखता है कि किस मार्केट में क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है कंपटीशन एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस का, तो वहां पर उस पर्टिकुलर मार्केट को कहा जाता है रिलीवेंट मार्केट, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स है उसके रिगार्डिंग वो मार्केट क्या है, रिलीवेंट है। अब ये रिलीवेंट मार्केट कौन कौन सी हो सकती है? कोई भी आपकी प्रोडक्ट मार्केट हो सकती है, या फिर कोई भी ज्योग्राफिक मार्केट हो सकती है, यानी कि पर्टिकुलर किसी एरिया की मार्केट हो सकती है, या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट वो उससे इफेक्ट हो सकती है। तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट और ज्योग्राफिक मार्केट इफेक्ट होंगी या दोनों ही मार्केट इफेक्ट होंगी तो वो मार्केट कहलाती है आपकी रिलीवेंट मार्केट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलीवेंट मार्केट के अंदर कौन कौन सी मार्केट आती है? रिलीवेंट प्रोडक्ट मार्केट आती है, रिलीवेंट ज्योग्राफिक मार्केट आती है, और बोथ, यानी कि अगर क्वेश्चन आपका आता है एमसीक्यूज में तो उसमें हम कंसीडर कौन सी करेंगे? ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट, ज्योग्राफिक मार्केट और बोथ, दोनों भी क्या हो सकती है? रिलीवेंट मार्केट हो सकती है। अब नेक्स्ट है हमारी रिलीवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, जिसको सेक्शन 2S में डिफाइन किया गया है। इस मार्केट के अंदर वो ऐसा एरिया इंक्लूड होता है जहां पर जो भी कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन की जो कंडीशंस हैं, या फिर सप्लाई के लिए, या फिर जो प्रोविजन है सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए या डिमांड ऑफ गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, वो डिस्टिंक्टली होमोजीनियस है, यानी कि जो वहां पर खरीदारी है, बिक्री है और जो कंडीशंस हैं उस मार्केट की, वो लगभग एक जैसी हैं, तो वो मार्केट आपका कहलाएगा ज्योग्राफिक मार्केट एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द नेबरिंग एरियाज, और वो अपने पास के किसी एरिया यानी कि किसी दूसरी मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे मेरठ का एरिया है, मेरठ ले लीजिए, एक पूरा एरिया है, उसमें दो मार्केट ले लीजिए आप, एक सदर मार्केट ले लीजिए, ठीक है, और एक लाल कुर्ती मार्केट ले लीजिए, तो दोनों की क्या है, दोनों की जो कंडीशन है कॉम्पिटिशन की, सप्लाई करने की गुड्स की और सर्विस प्रोवाइड कराने की, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम सीधी खाली लाल कुर्ती की बात करें या फिर सदर की ही बात करें, ठीक है, एक मार्केट की बात करें, तो वहां पे क्या है, वहां पे सप्लाई की किस तरह, सप्लाई भी सेम वही प्रोसेस होता है, प्रोविजन जो है सर्विस के वो भी सेम ऐसे ही है, तो वो क्या है आपका, वो आपका एक होमोजीनियस एरिया है, यानी कि वहां पे सारी चीजें क्या है, एक जैसी है, तो वो आपका एरिया, यानी कि अगर लाल कुर्ती की मार्केट हम करें, अगर वो इफेक्ट हो रही है तो वो आपकी ज्योग्राफिकल रिलीवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट होगी, ठीक है, और उसके उसके अंदर सिर्फ वही मार्केट इंक्लूड होगी, ना कि सदर वाली मार्केट, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर एक मार्केट का एरिया इफेक्ट होता है तो उस एरिया की मार्केट को कहा जाता है रिलीवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे रिलीवेंट प्रोडक्ट मार्केट की, जिसको सेक्शन 2T में डिफाइन किया गया है। अब ये क्या कहती है, देखिए अभी जो प्रीवियस स्लाइड्स थी हमारी, उसमें हमने देखा कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल एरिया इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसे रिलीवेंट प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। अब वो कैसे, मान लीजिए सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या फिर
मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या कर लेते हैं, वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जो अपना प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर सेम प्राइस पे ठीक है जो है प्रोवाइड कराएंगे, सेल करेंगे। या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या कहते हैं कि हम सिर्फ इस ही पर्टिकुलर प्राइस पर या इतनी ही हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो वहां पे क्या है, वो प्रोडक्ट इफेक्ट हो रहा है वहां पर, ना कि पूरा ज्योग्राफिकल एरिया। अब नॉर्मल सी बात है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही ले लीजिए, तो पर्टिकुलर किसी एक एरिया की मार्केट में ही तो वो सिचुएटेड नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होती हैं। तो इसलिए इसके लिए तो जरूरी नहीं है कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया में सिर्फ प्रोडक्ट इफेक्ट हो रहा है, वहां पे वो प्रोडक्ट मार्केट इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डेफिनेशन क्या कह रही है कि अ मार्केट कंप्राइजिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स और सर्विस विच आर रिगार्डिंग एज इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल बाय द कंज्यूमर बाय रीजन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसकी और सर्विसेज की, अगर सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो सर्विस की और प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करा रही है तो प्रोडक्ट की क्या है करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है, उसके प्राइसिंग सेम है और इंटेंडेड यूज भी उसके सेम है। नॉर्मल सी बात है, मोबाइल अगर कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो नॉर्मल सी बात है मोबाइल सेम ही यूज, इंटेंडेड यूज, इंटेंशन सभी चीज का मतलब इंटेंडेड यूज जो है वो सेम ही होता है उनका। तो इसलिए ये आपकी कहलाती है रिलीवेंट प्रोडक्ट मार्केट। अगर सारे मैन्युफैक्चरर आपके जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आप वो कार्टल बना लेते हैं अपना कि हम तो एक ही सेम ही सर्विस प्रोवाइड कराएंगे या सेम ही हम जो है अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो वो आपका कहलाएगा कि वहां पर क्या इफेक्ट हो रहा है, रिलीवेंट प्रोडक्ट मार्केट इफेक्ट हो रही है। किससे? एंटी कॉम्पिटेटिव, किससे? एग्रीमेंट से। तो ये था आज की हमारी डेफिनेशन थीम, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो आई होप या आपकी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।